보내 드릴게요. हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स. होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइव्स. तो कैसी रही आपकी दिवाली मुझे ज़रूर बताइएगा. होप आप सबकी दिवाली जो है वो बहुत खुशियाँ लेके आई हो. तो एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने मुझे 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि आप व्लॉग बनाती थी तो आप व्लॉग बनाइए, आपके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं. तो मैंने सोचा चलिए फिर मैं व्लॉग बना ही देती हूँ. तो देखिए मैंने आपकी बात माननी है यहाँ पर और व्लॉग बना दिया है एक मैंने आज. और बहुत दिनों बाद मैंने एक्चुअली बनाया है और वीडियो भी बहुत दिनों बाद आई है बिकॉज़ दिवाली के टाइम पे इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी और ऊपर से मेरी जो वो आते हैं हेल्पर आती है वो भी नहीं आ रही थी दिवाली के टाइम पे. तो मुझे बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो अकेले को करना पड़ रहा था तो इसलिए वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी मैं. मन तो बहुत कर रहा था लेकिन नहीं बना पा रही थी. तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलिए अब दिवाली ख़त्म हो गई है. दिवाली के बाद बहुत हेक्टिक सा हो जाता है. पता नहीं दिवाली के टाइम पे कहाँ से आ जाती है इतनी एनर्जी, मुझे नहीं समझ में आता. बिकॉज शायद वो बच्चों की तरह एक्साइटमेंट मुझे तो अभी भी रहती है दिवाली की, कि दिवाली आई है तो उस पर ये भी करना है वो भी करना है. और वो एक्साइटमेंट के कारण ही हर चीज़ हम उस वक्त तो कर लेते हैं लेकिन बाद में बहुत थकावट हो जाती है. ऐसी एक्साइटमेंट ना वैसे हमेशा रहनी चाहिए. तो ये जो धूपदानी थी ये इस बार मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी. सबने की थी ना वैसे, बहुत ज़्यादा लोगों ने की आई थिंक. बट ये धूपदानी एक्चुअली मुझे तो चाहिए ही थी बिकॉज मुझे ना अपने घर पे मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा सा एक पीसफुल सा मुझे ऐसे लगता है कि अगर रूटीन रहे तो मैं बहुत काम माइंड के साथ जो है ना वो काम करती हूँ फिर. तो इसलिए मुझे ना ये बहुत ज़रूरी लगा कि मुझे एक धूपदानी चाहिए और इससे सुंदर मुझे और कोई नहीं लग रही थी. बहुत ही प्यारी है तो मैंने भी मंगवा ली थी. और साथ ही ये देखिए ये जो स्टील का अभी जिसमें चाय बन रही है वो भी मैंने लिया, लेकिन ये लोकल मार्केट से ही लिया है स्टील का. जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे ना उनको पता होगा कि मेरा वो चाय बनाने वाला कप से टूटा था उसका हैंडल और मैंने अभी तक चेंज नहीं किया. वो बहुत पुराना था सच में और अभी तक चेंज नहीं किया था तो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है. तो कई बार ना क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी, ऐसा नहीं है कि लगाव हो जाता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि वो चलता है काम तो हम चला लेते हैं कि नहीं नहीं चलने दो चलने दो. हालांकि मैं बहुत बारी सुनती थी कि टूटी हुई चीज़ें नहीं रखनी चाहिए लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको मैंने चेंज नहीं किया. लेकिन फाइनली इस बार कर लिया और उसके बाद वही अपना डेली रूटीन अब स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ रहा है. फिर से मैं आपको मॉर्निंग रूटीन जो है मेरा बहुत गड़बड़ हो गई है तो उसको स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल अपने आप को पुश कर रही हूँ और धीरे धीरे आपके साथ भी शेयर करूँगी किस तरह से जो है मैं अपना रूटीन जो है वो फिर से वापस लेके आ रही हूँ. तो यहाँ पे दिवाली पे ना मैं हर दिवाली पे एक प्लांट लेती हूँ. पिछली बारी लास्ट टाइम मैंने अरिका पाम लिया था, मैंने आपको शायद दिखाया भी था मेरी लास्ट दिवाली वीडियो पे. तो वो इंडोर प्लांट ही है और इस बार भी मैंने ये वाला प्लांट लिया है. बट इसके ना पत्ते पता नहीं क्यों पीले पड़ गए, शायद मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था मे बी. अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम आई है इसको. और बाकी एक और गमला मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी वो मैं आपको बताऊँगी बाद में कि क्यों लेके आई थी, नेक्स्ट वीडियो में कभी ज़रूर बताऊँगी. तो अभी ना ये डेकोरेशंस यहाँ पे उर्ली मेरी इसमें पड़ी हुई है, यहीं पे पड़ी है. तो जो इसके थोड़े से सूख गए हैं ना रोज़ के, थोड़े ख़राब हो गए वो वाले मैं निकाल दूँगी और मैरीगोल्ड के अभी लेकिन रख छोड़ूंगी यहाँ पे बिकॉज अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, अच्छी लगती है मुझे. फ्रिज खुला छोड़ा ही तो हेलो. आज मैं सोचा चलो दिन का काम मतलब रात का काम पहले कर लिया जाए बिकॉज रात को फिर टाइम नहीं मिलता है मुझे शाम को और ट्यूशन के बाद. तो मैंने सोचा कि चलो मैं ट्यूशन लेट एंड होती है ना इस करके, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज रात का खाना ना पहले ही कोशिश करती हूँ मोस्टली वैसे बना लूँ तो सब्जी बना लेंगे और चावल रात को बनाएंगे. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल. किसको पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं. और वैसे भी आज थर्सडे तो मैं थर्सडे को मोस्टली मतलब पीली चीज़ बनाते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं तो मैंने वो ही पीली चीज़ मतलब कढ़ी रखी है हमारी. ऑलमोस्ट 2 वीक्स में एक बार कढ़ी बना ही लेते हैं और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाना है बिकॉज ऑप्शन पता है कि कढ़ी बनेगी. तो चलिए फिर कढ़ी बनाते हैं.
तो अब हो गई है शाम और मैंने लाइट्स ऑन कर दी है। मुझे ना ये फेरी लाइट्स वैसे ही बहुत पसंद है और मैंने यहाँ पे प्लांट के ऊपर भी लगाई है, पहले भी लगाई थी फिर वो हटा दी थी। तो दिवाली के बाद मैं ना कुछ दिन तक तो वैसे ही रहने देती हूँ, तो वैसे भी लगी हुई है मेरे रूम में, मैंने पहले से लगा के रखी है। तो अभी वैसे मैंने डेकोरेशन हटाई नहीं है, वो पीछे भी देखो स्टार वाली, वो ऊपर से शायद नीचे गिर गई है एक लाइट, हाँ तो वो ठीक करेंगे। और अभी मैंने डेकोरेशन हटाई नहीं है, ये बिल्कुल वैसे की वैसी ही है, थोड़ा बहुत हटा दिया बिकॉज ट्यूशन पढ़ानी होती है यहाँ पे, तो मुझे टेबल को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, तो इसलिए ये रख दिया है क्योंकि इतनी मेहनत लगी है इसको डेकोरेट करने के लिए, तो थोड़े दिन तो इसको देख लिया जाए अच्छे से। तो इसलिए मैंने अभी तक उतारा नहीं है कुछ भी। जब मेरा थोड़ा सा दिल लगेगा कि अच्छा अब चेंज कर देना चाहिए, तब इसको मैं दूसरा अपना जो नॉर्मल वाला डेकोरेशन है वो कर दूंगी। तो अभी फ़िलहाल ये यहीं पे, और ये देखिए यहाँ पे जो मैंने लगाया था उसकी प्लेस यहाँ पे मिल गई है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये घर पे अंदर प्लांट्स रखना ऐसे ही। और ये इस पर ही ना ये लेके आई थी, देखो मैं ये यहाँ पे मार्केट में ही मिल गया मुझे, ये पहले की ये पड़ी हुई लोकल मार्केट में मिल गया था, ये भी लोकल मार्केट से ही लिया था, लेकिन ये पिछले साल का है शायद। और ये और कुछ नहीं लेके आई थी ज़्यादा, सब जो है वो पुराना ही है, उसी से सारी डेकोरेशंस कर दी थी। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर भी देखो, ये वाला मेरा ना फेवरेट कॉर्नर है, ये वाले टी लाइट होल्डर्स ना लैम्प्स, ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने दिए थे दिवाली पे। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे चल रही है आदेश की पढ़ाई, और वो आज मैं नहीं आऊँगा आपके ब्लॉग में ऐसे बोल रहा है मेरे श्रग से अपना मुंह छुपा रहा है देखो और ये पढ़ाई चल रही है इसकी। आज ना इस जब ये आया तो इसको बहुत हेडेक हो रहा था, तो ये आके थोड़ी देर में सो गया, बल्कि इसने छोले भटूरे की ज़िद की थी बहुत दिनों से, तो आज मंगवा दिए हमने फाइनली, लेकिन इसने वो भी नहीं खाए क्योंकि ये पता नहीं इसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, फिर ये सो गया। ये अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है और अब ये पढ़ाई कर रहा है और मेरे ब्लॉग में आना भी चाहता है और नहीं भी, और इसको हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा ये तो चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो चलो जल्दी से पढ़ाई करो, फिनिश करो, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं, रोहित भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो अब हम बनाते हैं राइस। देखा कढ़ी बनाने का कितना फ़ायदा हुआ मुझे, जल्दी सुबह बना ली, तो दिन में बना लिया था, तो अब मुझे ना मतलब बहुत हबड़ा दबड़ी में काम नहीं करना पड़ रहा है। मैंने आराम से पहले एक कप चाय पी और उसके बाद अब मैं राइस बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं पूजा करूंगी। तो अब जरा टेस्टी नहीं है, टेस्टी नहीं है, टेस्टी नहीं है, अच्छा ऐसी टेस्टी नहीं है, देखते खाते अपने मुंह से तारीफ तो होती है कोई और नहीं करेगा तो खुद ही करनी पड़ेगी। बढ़िया, रोहित ने वैसे पहले ही बता दिया कि बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए फिर हम इंजॉय करते हैं अपना डिनर, और आप भी कीजिए अपना डिनर, या अगर आप सुबह देख रहे होंगे तो अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हुए देखिए, या लंच इंजॉय करते हुए देखिए। तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग या वीडियो के साथ। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।